हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कल के लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई भी डिटेल को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन, स्विंग मोमेंटम ट्रेड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन, कॉन्टैक्ट अस एट stockprotips@gmail.com। ट्रेडिंग सेशन में हमें एक्सिस बैंक में एक जबरदस्त रैली देखने को मिला है। इसने आज 4.48% के अपसाइड के साथ 732.05 पे अपना क्लोजिंग दिया है। करंटली आप इसके बायर साइड में 594 शेयर्स को भी देख सकते हैं। आज इसमें कारोबार अच्छा रहा और इसने लगभग 47% से भी ज्यादा डिलीवरी आज इसमें देखा गया है। अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल को देख पाएंगे। वैसे ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसीडी इंडिकेटर में भी एक बुलिश क्रॉसओवर को फॉर्म कर चुका है। इस वजह से कल इसमें और ज्यादा उछाल देखी जा सकती है, तो आप कल के लिए इसे बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग में भी आज लगभग 6.05% का एक जबरदस्त अपसाइड हमें देखने को मिला। इसने 135.3 पे अपना क्लोजिंग दिया है। आज इसमें कारोबार अच्छा रहा और आज इसमें लगभग 24% से भी ज्यादा लगभग 26 लाख शेयर्स डिलीवर हुए हैं। अगर हम इसके बाय साइड की ओर रुक करते हैं तो यहाँ पे आप 37,000 से भी ज्यादा शेयर्स को देख सकते हैं। इस वजह से कल इसमें एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग देखी जा सकती है। आगे अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट की ओर रुक करते हैं तो यहाँ पे हम इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और वीवा वैल्यू पे एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल को जनरेट होता हुआ देख पाएंगे और इसका वॉर्टेक्स इंडिकेटर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट कर रहा है। इसके एमएसीडी लाइन को हम ऊपर की ओर मूव करता हुआ भी देख पा रहे हैं। इस वजह से कल इसमें और ज्यादा प्राइस में तेजी हमें देखने को मिल सकती है, तो आप कल के लिए इसे बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी लगभग 2.66% का एक अपसाइड हमें देखने को मिला है और इसने 695.6 पे अपना क्लोजिंग दिया है। आज इसमें कारोबार अच्छा रहा और इसमें आज लगभग 9 लाख के आसपास शेयर्स यानी कि 63% से भी ज्यादा शेयर्स आज डिलीवर हुए हैं। इस वजह से कल भी हमें इसके स्टॉक के प्राइस में एक तेजी देखने को मिल सकती है। आगे अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और वीवा वैल्यू पे एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट होता हुआ दिख जाएगा। ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल को जनरेट कर रहा है और आप इसके MACD इंडिकेटर में भी एक बुलिश क्रॉसओवर को देख सकते हैं। इस वजह से कल आप इसको बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आज कैनपिन होम्स में लगभग 6.78% का एक रैली हमें देखने को मिला है। इसने इंट्राडे में 296.7 पे अपना हाई बनाने के बाद 293.65 पे अपना क्लोजिंग दिया है। हम करंटली इसके बाय साइड में 4,000 से भी ज्यादा शेयर्स को देख पा रहे हैं। इस वजह से कल इसमें एक गैप अप ओपनिंग देखी जा सकती है। अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल को जनरेट होता हुआ देख पाएंगे। आज इसने अपने वीवा वैल्यू जो कि 288.02 है उसके काफी ऊपर 293.65 पे अपने क्लोजिंग दिया है। इस वजह से इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल जनरेट हो रहा है। हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में भी एक बुलिश सिग्नल को देख पा रहे हैं। इस वजह से कल इसमें और ज्यादा उछाल देखी जा सकती है, तो आप कल के लिए इसे बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आज एबीबी इंडिया लिमिटेड में लगभग 1.17% का एक गिरावट हमें देखने को मिला है। इसने इंट्राडे में 1222.25 पे अपना लो बनाने के बाद 1233.7 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। आज इसने अभी हम इसके सेलर साइड में 1358 शेयर्स को भी देख पा रहे हैं। आगे अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल को जनरेट होता हुआ देख पाएंगे और ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर दोनों में ही एक बुलिश बियरिश क्रॉसओवर को फॉर्म कर चुका है। इस वजह से कल हमें इसमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आपको इसको सेल साइड के लिए कल के लिए कंसिडर करना चाहिए। आज विप्रो लिमिटेड में एक काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। इसने लगभग 3.42% के डाउनसाइड के साथ
363.6 पे अपना क्लोजिंग दिया है। करेंटली हम इसके सेलर साइड में 6414 शेयर्स को देख सकते हैं। आगे अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में एक स्ट्रॉन्ग सेल कॉल को जनरेट होता हुआ देख पाएंगे। आज इसने अपने वीवा वैल्यू जो कि 368.37 है उसके काफी नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इस वजह से इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट हो रहा है। हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसीडी इंडिकेटर दोनों में ही एक बेरिश क्रॉसओवर को देख सकते हैं और इसके हिस्टोग्राम भी करेंटली नेगेटिव साइड में आ चुके हैं। इस वजह से कल इसमें और ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है, तो आप कल के लिए इसे सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अलावा डेली मार्केट अपडेट्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, पर्सनल फिनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड कलर के बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बावजूद रुपी में आए हुए तेजी की वजह से हमें दिन भर इसमें एक जबरदस्त रैली देखने को मिला और फाइनली इसने 123 पॉइंट के अपसाइड के साथ 10,987.45 पे अपना क्लोजिंग दिया है। अगर हम कुछ मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस की ओर रुख करते हैं तो हम करेंटली डाउ जोन्स को 14 पॉइंट्स, S&P 500 को 3 पॉइंट्स और नेस्टा को हम करेंटली 4 पॉइंट के डाउन साइड पे मूव करता हुआ देख पाएंगे। आगे अगर हम निफ्टी 50 के फ्यूचर की ओर रुख करते हैं तो ये अभी के करंट लेवल से लगभग 35 पॉइंट के आसपास अपसाइड में मूव कर रहा है। तो अगर कल ग्लोबल इंडाइसेस पॉजिटिव साइड में क्लोज होते हैं तो हमें मार्केट में रैली फिर से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे अगर हम फॉरेक्स मार्केट की ओर रुख करते हैं तो हम इंडियन रुपी को डॉलर के मुकाबले 70.59 के लेवल पे देख सकते हैं और ये अपने 5 मिनट के कैंडल्स में अपने मूविंग एवरेज और इंडिकेटर्स में स्ट्रॉन्ग बाय कॉल को जनरेट कर रहा है। तो कल ये लेवल और ऊपर की ओर मूव कर सकते हैं। आगे अगर हम निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को फॉर्म होता हुआ देख पाएंगे। आज इसने अपने सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करते हुए ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया है और हम इसके RSI इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की ओर इशारा होता हुआ देख सकते हैं। आगे अगर हम इसके ऑप्शन चेन डेटा की ओर लुक करते हैं तो यहाँ पे आप 10,900 के लेवल्स पे 14,02,125 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पाएंगे। इस लेवल पे हमें 18 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाता है। इस वजह से हम कल के लिए 10,900 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के रूप में देख सकते हैं। आगे अगर हम कॉल साइड में चेक करते हैं तो हम करेंटली 11,100 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा 5.49 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं और हम इस लेवल पे 12,02,700 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देख सकते हैं। इस वजह से हम कल के लिए 11,100 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के रूप में देख सकते हैं। आगे अगर हम बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो आज इसने निफ्टी की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिखाया है और अपने सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करते हुए ऊपर की ओर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है और हम इसको इसके RSI इंडिकेटर से भी कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल जाता है। ये करेंटली 60.69 के लेवल पर चल रहा है जो कि कल और ऊपर की ओर मूव कर सकता है। आगे अगर हम इसके ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसके पुट साइड में करेंटली 27,400 के लेवल्स पे 27,000 से लेके 27,500 के लेवल्स पे पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ आप देख सकते हैं और आप सबसे ज्यादा 27,000 के लेवल्स पे 5.51 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें 9.90 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाता है। इस वजह से हम 27,000 के लेवल्स को कल के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के रूप में देख सकते हैं। आगे अगर हम कॉल साइड की ओर रुख करते हैं तो हम करेंटली 28,000 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा 2.88 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होते हुए देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें 3.99 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाता है। इस वजह से हम कल के लिए 28,000 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के रूप में देख सकते हैं।